अज असी स्वागत करते हैं एक ऐसे अफसर का जिस अफसर की ड्यूटी अक्सर हाई कोर्ट इस करके लाती सी कि उस तो इनकुआरी करा लो, उन्होंने इनकुआरी अफसर ला लो, क्योंकि उस अफसर की जी इमेज है अज भी यहोजे चिक्कड़ उन्हें दामन साफ रखे। श्री कुंवर विजय प्रताप जी थोड़ा मैं स्वागत करना। अज कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी के परिवार का हिस्सा बन जा रहे हैं। बेनती करूँगा कि वो अरविंद केजरीवाल जी कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी शामिल करेंगे। सरोपा पा के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पे मौजूद हमारे पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन चीमा साहब, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी और मेरे मित्र, मैं इनको एक तरह से अपना अफसर भाई कह सकता हूँ, मैं भी अफसर था ये भी अफसर है। कुंवर विजय प्रताप जी, यहाँ पे जितने हमारे एमएलए साहब आए हुए हैं, सब लोग लीडरशिप, सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के लिए, पंजाब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुंवर विजय प्रताप जी नेता नहीं है, ना इनके मां बाप नेता थे, ना इनके दादा परदादा नेता थे, तो ये पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते। मैं भी नेता नहीं हूं, ये भी नेता नहीं है, हमारी नेताओं की पार्टी नहीं है, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम सब देश के लिए आए हैं, समाज के लिए आए हैं। और उसी भावना के साथ आज कुंवर विजय प्रताप जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब का बच्चा बच्चा विजय प्रताप जी के बारे में जानता है, इनके विरोधी भी इनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं कि बेहद ईमानदार अफसर रहे। पंजाब के लोगों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे, और कहा जाता है कि आम आदमी के पुलिस वाले हैं। अगर कोई भी आम आदमी इनके यहां फरियाद लेके चला जाता था तो उसकी सुनवाई किया करते थे, इसलिए जनता इनको इतना प्यार करती है। नहीं तो पुलिस वाले की ड्यूटी इस तरह की होती है कि उसे बेचारे को सख्ती ज्यादा करनी पड़ती है पुलिस वाले को, तो कई बार लोग नाराज रहते हैं, लेकिन इनको लोग प्यार करते हैं। लेकिन पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो बरगाड़ी कांड में पंजाब के लोगों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, वो पूरा पंजाब देख रहा है। बरगाड़ी में बेअदबी हुई, फिर गोलीकांड हुआ, और उनके जो मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। इन्होंने जांच की, जो मास्टरमाइंड थे उन सब का पता लगाया, लेकिन सारा सिस्टम इनके खिलाफ हो गया। जब इन्हें लगा कि सिस्टम के अंदर रह के कुछ नहीं कर सकते तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक इतने सीनियर पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देना कोई हंसी खेल नहीं है। आज एक चपरासी की नौकरी के लिए आदमी पता नहीं कितनी रिश्वत देता है, कितनी सिफारिशें करवाता है, कितनी दर दर की ठोकरी खाता है, लेकिन इतने सीनियर पुलिस अफसर की नौकरी छोड़ के लात मार के किस लिए? अपने लिए नहीं छोड़ी इन्होंने नौकरी। इन्होंने नौकरी छोड़ी पंजाब के लोगों के लिए, उनको उनको
न्याय दिलाने के लिए। मैं आज पंजाब के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इनकी अधूरी लड़ाई है और जो आज तक पंजाब के लोगों को बरगाड़ी कांड में न्याय नहीं मिला, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बरगाड़ी कांड के जो भी मास्टरमाइंड हैं उनको सजा दिलाएंगे और पंजाब के लोगों को न्याय दिलवाएंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जिस शख्स ने उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है। दोस्तों, आज पंजाब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी, उसके नेता कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है देख के। किस लिए लड़ रहे हैं? कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को सीएम बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है, वो कहता है मेरे को प्रधान बनना है। जब पूरे पंजाब की जनता कोरोना की वजह से त्रस्त थी, ऐसे समय में जब आम जनता सोचती है कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार हमारे हमारे को काम आएगी, हमारी मदद करेगी, उस वक्त ये सारे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे। पंजाब में एक और पार्टी है, उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार और बेअदबी के बड़े संगीन आरोप लगे हैं। पंजाब के अंदर तीसरी पार्टी है, उनके लोगों को तो लोग अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देते, मोहल्ले में जाते हैं तो लोग उनको भगा देते हैं। तो आज पंजाब के अंदर किसको पंजाब की चिंता है, किसको पंजाब के लोगों की चिंता है? किसी को चिंता नहीं। पंजाब के लोग जाएं तो कहां जाएं? पंजाब के लोगों की समस्याओं का कौन समाधान निकालेगा? और ये सब वो लोग हैं, ये सब वो पार्टियां हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कांग्रेस की सरकार आई है, पिछले 70 साल में पता नहीं कितनी बार कांग्रेस वालों को मौका दे चुके, पता नहीं कितनी बार अकाली दल और बीजेपी वालों को मौका दे चुके। अब जनता ने कहना चालू कर दिया, जनता देख रही है। दिल्ली पड़ोस में ही है, दिल्ली वालों ने एक नई पार्टी को एक बार मौका दिया, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने लग गई, दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। तो पंजाब के लोग अब कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पंजाब के लोग भी कह रहे हैं भाई हमें भी फ्री बिजली चाहिए, हमें भी 24 घंटे बिजली चाहिए। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देख के आते हैं इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, तो पंजाब के लोग कहते हैं भाई उन्होंने अगर 5 साल में कर दिया, 70 साल में इन्होंने क्या किया हमारी सारी पार्टियों ने। पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, देखते हैं सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हो गए, तो पंजाब के लोग अब कहते हैं भाई हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी गांव में क्लिनिक चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। अब पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास विकल्प है। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। मैं पंजाब के लोगों को अपील करना चाहता हूं, पिछले 70 साल में आपने इन तीनों पार्टियों को अनगिनत मौके दिए, कुछ नहीं बदला, वैसे का वैसे, कुर्सी की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई, पैसे की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, सब कुछ वैसा का वैसा। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, हम सब मिलके पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ पंजाब की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। मैं फिर से एक बार विजय प्रताप जी का पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सपना वो आम आदमी पार्टी में लेके आए हैं एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का, वो सपना जरूर साकार होगा, हम सब लोग मिलके पंजाब को बदलेंगे। मैं आपकी उत्सुकता और आपकी जिज्ञासा से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आज पंजाब मौजूदा नेतृत्व से बहुत खफा है, बहुत गुस्सा है, और पंजाब एक नए किस्म का नेतृत्व ढूंढ रहा है। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा,
समय आने पे आपको बताएंगे और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जिसका सीएम सिख समाज से है। हमारा ये मानना है कि ये सिख समाज का हक है और ये हक उनके पास ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आम आदमी पार्टी का सीएम ऐसा होगा जिसके ऊपर पूरे पंजाब को मान होगा, पूरे पंजाब को उसका गर्व होगा, और जो सीएम होगा वो सिख समाज से होगा। आज कुंवर साहब जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, थोड़े दिन दे दो, सब कुछ बताएंगे आपको। आज तो यही खबर चलाओ और यही खबर छापो कि कुंवर साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, राजनीति में आए हैं और सारे मिलके आपके साथ मिलके पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ मिलके पंजाब को बदलेंगे। हैं जी, क्या चीज? सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। मतलब अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। जिस सिचुएशन की लौड़ पाएगी तो तुहानू ही बतावांगे जी। सब तो पहला थैंक यू सो मच। थैंक यू। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।